नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवाड़ रोड पर मंगलम सिटी के अंदर एक 101 वर्ग गज में बना हुआ JD अप्रूव्ड ये आज आपको विला दिखाने जा रहा हूं, जो कि 3 BHK विला है। और कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो निवारू लिंक रोड भी यहां से कनेक्ट होता है और सभी प्रकार की एमिनिटीज यहां पर आपको बहुत ही नीरस मिल जाती है। अगर बात की जाए यहां से रेलवे स्टेशन की या बस स्टैंड की, तो 16 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहां पर जो है आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पड़ जाता है। सभी प्रकार की एमिनिटीज, जैसे कि मैं बताऊँ आपको स्कूल या फिर बात करूँ मैं यहाँ पर आपको हॉस्पिटल की, तो सभी जो है आपको चीज़ें 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ जाती है। बात की जाए पानी की और सीवरेज की, तो किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर आपको आने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको ईस्ट और वेस्ट फेसिंग मकान जो है विला यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रंट साइड एलिवेशन आप देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके का फ्रंट साइड एलिवेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो है हमारे द्वारा 4 विला बनाए गए थे, जिसमें से 1 सोल्ड आउट है, 3 विला अवेलेबल है। अगर आप भी जयपुर शहर के अंदर एक विला ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। सभी बैंकों से लोन हो जाता है, अप टू 90% तक लोन हो जाएगा, क्योंकि JD अप्रूव्ड है, ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। यहां पर हम डायरेक्टली आ गए हैं इसके पोर्च एरिया की तरफ। अगर पोर्च की अगर बात की जाए तो पोर्च का जो साइज यहां पर आपको मिलने वाला है, काफी स्पेसियस साइज यहां पर आपको मिल जाएगा और लगभग 14x11 का साइज यहाँ पर इस एरिया का आपको मिल जाता है। और अगर बात की जाए पूरे पोर्च एरिया की, यहाँ से यहाँ तक की पोर्च एरिया की अगर बात की जाए तो 8x18 का साइज मिल जाता है। ये जो एरिया है 8x18 का है, इजीली यहाँ पर आपकी जो है कार इजीली पार्क कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। उसके बाद में भी काफ़ी अच्छा स्पेस साइड में आपका बच जाता है। यहाँ पर मिल जाता है आपको वाटरिंग प्रोविजन, जो कि आप 6000 लीटर का आपको वाटरिंग प्रोविजन दिया गया है। आप इजीली आप यहाँ पर अपना पानी जो है स्टोर कर सकते हैं। मकान की आप हाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मकान की हाइट दी गई है, जिससे प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन आपके घर के अंदर होता रहेगा। यहां पर आपको मिल जाती है बिल्डर के माध्यम से बनाई हुई एक शू रैक, जिसमें आपने जो है शूज वगैरह आप बहुत इजीली रख सकते हैं, बाहर किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऑकवर्ड फील आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहां पर आपको मिल रही है विंडो, जहां से प्रॉपरली सनलाइट वेंटिलेशन आपके इस विला के अंदर होता रहेगा। देखिए विला के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट होना बहुत जरूरी है। अगर वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आती है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली इस विला के अंदर और दिखाएंगे इसका विला का हॉल का साइज, जो कि काफी स्पेसेस साइज यहां पर आपको दिया गया है। लगभग साइज की अगर बात करूं तो यहां पर जो आपको साइज मिल जाता है हॉल का, वो मिल जाता है 12x18 का साइज। देखिए डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया दोनों ही आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। स्टेयर के नीचे काफी एक अच्छा जो है स्पेस आपको मिल रहा था, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। यहां पर मिल जाता है आपको LED का पैनल, जिसमें आप अपनी 32 से 44 इंच तक की LED इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ ये लगा करके दिया गया है वुडन का, जहां पर लाइटिंग का काफी अच्छा काम किया गया है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ फुल सीलिंग डिजाइन बहुत ही यूनिक तरीके का आपको मिल जाता है। फुल सीलिंग फैंस यहाँ पर आपको लगा करके दिए गए हैं बिल्डर के माध्यम से, और लाइटिंग का जो यहाँ पर काम किया गया है जबरदस्त काम किया गया है। वॉल पे देखेंगे तो टेक्सचर डिजाइन आपको दिया गया है, कोई भी वॉलपेपर का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर टेक्सचर आपको डिजाइन मिल जाता है। सभी रूम्स के अंदर, हॉल्स के अंदर आपको जो है अलग अलग तरीके का यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको टीवी पैनल मिल जाता है इसी के साथ में। इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर स्टोर रूम का भी काफी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपका जो भी अननेसेसरी सामान है वो यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छा एक स्पेस यहाँ पर भी आपको दिया गया है, और इस जगह को ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है, यहाँ पर आपका वॉश बेसिन फिट कर दिया गया है और यहाँ पर आपको टाइल्स लगा करके दी गई है। टाइल्स कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही यूनिक सा आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफी सारे विला में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हॉल के अंदर आपको ये जो है वॉश बेसिन लगा करके दिया जाता है, तो काफी सा ऑकवर्ड सा फील करता है, लेकिन यहाँ पर जो है सेपरेटली एक अलग से जो है वॉश बेसिन आपको लगा करके दिया गया है। इजीली हैंड वॉश वगैरह आप कर पाएंगे। मैं डायरेक्टली अब लेकर के चलूंगा इसके आपको मॉड्यूलर किचन की ओर, जो कि यहाँ पर इस साइड में आपको मिल जाता है। साइज की बात की जाए तो 6x10 का साइज मिल रहा है यहाँ पर आपको बॉटम पे मिल जाता है, जहां पर ग्रेनाइट आपको लगा करके दिया गया है। काफी सारे कैबिनेट्स ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में काफी सारे ड्रॉर्स हैं, जो कि आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ में मिल जाते हैं। इस तरफ दी गई है विंडो, जहां से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होता रहेगा। यहां पर भी आपको फॉल सीलिंग डिजाइन दिया गया है किचन के अंदर भी, और आपको सीलिंग फैन का ऑप्शन दिया गया है। चारों ही कोनों में LED लाइट्स लगा करके दी गई है। वैसे अगर लाइट्स बंद करने के बाद में भी आपको काफी एक अच्छी यहाँ पर आपको सनलाइट आता रहेगा। अब ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम बना करके दिया गया है, हॉल है और किचन है। किचन मैंने आपको दिखा दिया है, हॉल मैंने आपको दिखा दिया है, अब आपको रूम दिखा देता हूँ, फिर आपको ले चलूंगा यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको AC का सेपरेटली पॉइंट मिल जाता है, बाद में तोड़फोड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रूम के अंदर लेकर के चलूं, कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर जयपुर शहर के अंदर आपकी कहीं पे प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो JKS आर्किटेक्ट को आप कॉल कर सकते हैं, और काफी अच्छा काम करते हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जयपुर शहर से बाहर है और आपको मैप की रिक्वायरमेंट है, आपकी कहीं पर लैंड है और आप मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं JKS आर्किटेक्ट, जिनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में
दिए गए हैं। यहाँ पर कॉमन प्लस अटैच में आपको बाथरूम दिया गया है, जो कि यहाँ कॉमन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो रूम से अटैच होते हुए भी बाथरूम का डोर खुल जाता है, जो कि मैं आपको रूम के अंदर जाकर के दिखाऊंगा। साइज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर साइज जो है 7x9 का साइज यहाँ पर बाथरूम का दिया गया है। बाथरूम के साइज भी स्पेसेस साइज आपको मिल जाती है। ये एंट्रेंस हो रहा है यहाँ पर इसके फर्स्ट रूम का। साइज की बात करूं तो स्पेसेस साइज है 11x13 का साइज मिल जाता है, जहां पर आपका किंग साइज का बेड इजीली लग जाएगा। 2x2 की टाइल दी गई है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे सीलिंग डिजाइन जो है यूनिक सा, सभी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग डिजाइन मिल जाता है। सीलिंग फैन बिल्डर के माध्यम से लगा करके दिया गया है। इस साइड आपको मिल जाता है यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन, जो कि सभी रूम्स के अंदर अलग अलग है, और स्पेसेस साइज के साथ में आपको यहां पर आपको मिल जाती है वार्डरोब, जहां पर काफी स्पेसेस साइज दिया गया है। वुडन वर्क काफी जबरदस्त तरीके का किया गया है, सनमाइका प्रीमियम क्वालिटी की यूज की गई है। यहां पर इस साइड में आप देखेंगे तो ये कॉमन प्लस अटैच, जैसे कि आपने देखा था अभी वहां से बंद है ये, लेकिन यहां पर भी जो है अटैच हो जाता है ये, तो कॉमन प्लस अटैच में आपको बाथरूम दिया गया है। एक तरीके से आप मास्टर बेडरूम की तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका बैकयार्ड का एरिया आ जाता है, जहां पर वेंटिलेशन का काफी अच्छा ध्यान रखते हुए बिल्डर ने इसे बनाया है, और इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो काफी बड़ी विंडो दी गई है, जहां से प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिलता रहता है। तो आपने देखा बैकयार्ड का एरिया, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंगली उसे यूज कर सकते हैं, या तो आप वॉशिंग एरिया की तरह, या तो आप उसको जो है स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। और पीछे जस्ट इसके जो है मकान बना हुआ है, तो वेंटिलेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पहले ही जो है विला तैयार है वहां पर। और जस्ट के बैक साइड में अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर विंडो है, जहां से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होता रहेगा। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे दिखाऊंगा कि आपको दो रूम जो है किस तरीके से बना करके दिए गए हैं। अभी थोड़ा कुछ काम बाकी है, जैसे कि यहाँ पर स्टेयर्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेलिंग अभी लगनी बाकी है, जो कि SS की स्टीनलेस स्टील की आपको लगा करके दी जाएगी। यहाँ पर आप जीने पे देखेंगे स्टेयर्स पे, तो यहाँ पर भी आपको ग्रेनाइट का यूज किया गया है। और हम अब लोग डायरेक्टली आ रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और आपको रिवील करेंगे किस तरीके का ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर मिलने वाला है। यहां पर हम लोग आ गए हैं। इसके साइज की बात की जाए तो 10x18 का साइज मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। स्टेयर अंदर होने से होता क्या है कि पार्किंग का स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है, प्लस आपको ऊपर दो रूम होने की वजह से ऊपर एक हॉल भी मिल जाता है, जिसका आपको काफी फायदा मिलने वाला है। यहां पर आप देख रहे हैं टेक्सचर डिजाइन है, नीचे भी अलग दिया गया था, ऊपर की साइड में भी अलग टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो सीलिंग डिजाइन बहुत ही यूनिक तरीके का आपको मिल जाता है। सीलिंग फैन जो है बिल्डर के माध्यम से लगा करके दिया गया है। इस वॉल पे आप देखेंगे तो AC का सेपरेटली पॉइंट आपको मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका बैक में जो रूम दिया गया है, वो यहाँ पर जो है आपको कॉमन प्लस अटैच में बाथरूम दिया गया है, जैसा कि एज इट इज नीचे की तरफ दिया गया था। सैनिटरी वगैरह जो भी यूज की गई है, कंपनी की सैनिटरी यूज की गई है। साइज की बात करूं तो 7x9 का साइज यहां पर भी बाथरूम का मिल जाता है, जो कि कॉमन प्लस अटैच की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम आगे इसके सेकंड बेडरूम की, और बेडरूम की साइज की बात की जाए तो 11x13 का साइज मिल जाता है। सामने की साइड में मिल रहा है काफी यूनिक सा आपको टेक्सचर डिजाइन, ऊपर AC का सेपरेटली पॉइंट, जस्ट उसके ऊपर देखेंगे तो आपको फॉल्स सीलिंग डिजाइन है, जो कि यूनिक है। सभी में अलग अलग तरीके की फॉल्स सीलिंग डिजाइन आपको दी गई है। यहां से मैं दिखा दूं, जैसे कि नीचे वाले में बंद था, तो यहां पर मैं दिखा दूं कि ये है इसका एंट्रेंस, जैसे कि आपको नीचे की साइड में मिलेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन यहां से आपको दिया गया है, जहां से प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट भी काफी अच्छा यहां पर हो रहा है। यहां पर इसके बैक में आप देखेंगे तो यहां पर आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, जो कि कंपनी की है। यहां पर हम लोग देखेंगे इसका बैकयार्ड का एरिया, जहां पर अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से स्टोर रूम की तरह, या फिर आप कपड़े वगैरह अपने सुखा सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस आपको दिया गया है, तो ये स्पेस काफी अच्छा है। यहां पर आपको पानी का टैप लगा करके दिया गया है। पीछे का सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं, पूरा ही बसावट वाला एरिया है, मंगलम सिटी है, JD अप्रूव्ड है, 101 वर्गज में बना हुआ है। लोन से रिलेवेंट कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, और काफी स्पेसेस साइज इस मकान का आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके थर्ड बेडरूम की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 11x13 का साइज फिर से 101 गज में बना हुआ है ये मकान, बहुत ही स्पेसेस साइज के साथ में है। सभी जगह से प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें भी प्रॉपर मिल जाता है। सामने की साइड में देख रहे हैं वॉल पे प्रीमियम क्वालिटी का आपको टेक्सचर डिजाइन मिल जाता है। ऊपर जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको जो है AC का सेपरेटली पॉइंट दिया गया है। जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो फुल सीलिंग डिजाइन, बहुत ही यूनिक तरीके का फुल सीलिंग डिजाइन आपको मिल जाता है। इस साइड में आपको दिया गया है विंडो, जहां से प्रॉपरली सनलाइट वेंटिलेशन होगा। देखिए इस ह्यूज साइज में है, और मॉस्किटो आपको जो है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक मिल जाता है, जो कि वुडन का बना करके दिया गया है। मच्छर मक्खी वगैरह अंदर नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर अटैच होते हुए मिल जाती है बालकनी। बालकनी का साइज काफी ह्यूज है, स्पेसिस साइज है, आप शाम या सुबह के समय अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सराउंडिंग एरिया आप एक बार प्लीज देख लीजिए।
पीछे आपने सराउंडिंग एरिया देखा, आगे से सराउंडिंग एरिया आपने देखा। प्राइस मैं इसका आपको बता दूं, प्राइस जो है इसका आस्किंग वो 38 लाख रुपए है। आप इसे 38 लाख में अपना बना सकते हैं और ये जो है निगोशिएबल है। जब भी आप आएंगे बिल्डर के साथ बैठिए, बैठने के बाद में जो है ऑन टेबल इसे जरूर निगोशिएट किया जाएगा। मान सम्मान में जो भी है वो बिल्डर के माध्यम से कम किया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव में बिल्डर के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।